बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एलिसाइक्लिक कंपाउंड, वो कंपाउंड जो केवल क्या बनाती है, साइकिल बनाती है। इससे पहले भी हम लोग पीछे साइक्लिक कंपाउंड के बारे में देख चुके हैं, ठीक। लेकिन एक बार क्विक रिवीजन करते हुए नई जानकारी की ओर बढ़ते हैं, ठीक। चलिए, जब हम साइक्लिक कंपाउंड बनाते हैं तो वहां पे जितनी भी कॉर्नर प्रेजेंट होती है वो सब किसको इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ कार्बन को इंडिकेट करता है। और उसका नामकरण करने से पहले उसका आगे क्या लिखा जाता है, साइक्लो, ठीक। और नंबर ऑफ कार्बन यानी कि एल को जोड़ा जाता है, फिर बॉन्ड नंबर को जोड़ दिया जाता है, यही होता है बेसिकली आपका साइक्लिक कंपाउंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इजी वे से। ये देखिए यहाँ पे कितना कॉर्नर, थ्री कॉर्नर, यानी कि तीन कार्बन प्रेजेंट है। यस सर। तीन कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है, फ्रॉग, ठीक। सिंगल बॉन्ड है आपके पास में, क्या लिखेंगे, ए एन ई। किस फॉर्म पे है, साइकिल के फॉर्म पे, इसलिए इसको क्या लिखेंगे, साइक्लो। इस तरह से इसका नाम क्या बनता है, साइक्लोप्रोपेन बनता है, ठीक। यस सर। आगे ये देखिए, ये देखिए, ये सबका नामकरण आप जल्दी जल्दी कर पाएंगे। यस सर। चलिए बताइए इसका नाम, कितना कॉर्नर, चार, चार, यानी कि ब्यूट, सिंगल बोन से जुड़ा हुआ है, ए एनी, आगे क्या लिख देंगे, साइक्लो। यहां भी कितना कॉर्नर, फोर को क्या कहते हैं, ब्यूट, लेकिन यहाँ पे आपका डबल बोन, ई एनी, और इधर क्या लिख देंगे, साइक्लो, साइक्लो ब्यूटिन। ये कितना कॉर्नर, पांच, पांच को क्या लिखेंगे, पेन, सब जगह सिंगल बॉन्ड के लिए ए एनी, नाम के आगे क्या जोड़ने वाले, साइक्लो। ये छह कॉर्नर मतलब हेक्स, सिंगल बॉन्ड के लिए ए एनी, नाम के आगे क्या जोड़ने वाला, साइक्लो। इस तरह से इसका नामकरण होता है, ठीक। अब थोड़ी सी ध्यान से देखिएगा, ये नाम क्या होगा इसका बताइए। जब भी इस तरह का नामकरण पूछा जाए तो आपको यहां वन फिर यहां टू नहीं दे सकते आप, ठीक। वन टू डाई कैसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो इस तरह से कैसे लिखेंगे, वन टू थ्री, ये हो गया फोर। कितना कॉर्नर है यहां पर, फोर कॉर्नर है कि नहीं, फोर को क्या कहते हैं, ब्यूट। समझिएगा, पोजीशन नंबर वन और पोजीशन नंबर थ्री, हाइफन का साइन देंगे, वन थ्री, दो जगह है, क्या लिखेंगे, डाई, डबल बॉन्ड के लिए ई एन ई, लेकिन किस फॉर्म पे है, साइकिल के फॉर्म पे है, इसलिए साइक्लो। इसका नाम क्या बना, साइक्लो ब्यूट वन थ्री डाई इन बना। क्लियर? यस सर। अब बताइए, रूल हम जो जो बोलते जाएंगे वो रूल को आप समझते जाएंगे, ठीक। ध्यान दीजिएगा, इधर यहां पे नंबर ऑफ कार्बन कितना है, थ्री, यहां पे नंबर ऑफ कार्बन कितना है, सिक्स। नंबर ऑफ कार्बन किसमें ज्यादा, ऊपर वाला, ये वाला में नंबर ऑफ कार्बन आपका क्या है, ज्यादा है। तो एक चीज याद रखेंगे, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो वो आपका मेन चेन बनेगा। यस सर। क्या बनेगा, मेन चेन। किसमें,
जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा उपस्थित हो वो क्या बनने वाला? मेन चेन। और जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कम हो वो साइड चेन। ठीक, तो ये क्या बनने वाला? साइड चेन। इतनी सी बात भी आपको समझ में आया? ठीक। दूसरी कहानी समझिएगा इसका, कि जिसका लंबी चेन है कार्बन का उसको हम मेन चेन माने। यस सर। मतलब वो आपका पेरेंट्स कार्बन में काउंट होगा। यस सर। केवल उसी का क्या किया जाएगा? नंबरिंग किया जाएगा। बात पकड़ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि उसमें ज्यादा कार्बन है। अब ये साइड चेन हुआ। यस सर। तो साइड चेन को हम ये भी देखेंगे नंबरिंग करने से समय कि ये नजदीक किधर से पड़ रहा है। बताइए, इधर से? इधर से तो कीजिए 1 2 3 4 5 6। ठीक। यस सर। दो साइड चेन है वो ब्रेक से फिक्स में चलाएगा। यस सर। तो ये प्रीफिक्स में आया तो कितना कॉर्नर है आपका? थ्री। को क्या कहते हैं? प्रोप। और यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम, मतलब वाई एल होता है, प्रोपाइल। किस फॉर्म पे है? साइकिल के फॉर्म पे है, इसलिए साइक्लो। कितना पोजीशन पे है? थ्री पोजीशन। इसका नाम क्या हुआ? थ्री साइक्लो प्रोपाइल। नंबर ऑफ कार्बन सिक्स को हेक्स। कैसा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है? सिंगल बॉन्ड के लिए क्या नाम बना? थ्री साइक्लो हेक्सेन। क्लियर? यस सर। डाउट है? नो सर। बताइए। तो बताओ ना कोमल नंबर क्या है? क्या नाम है इसका? कोमल नंबर टोलिन। टोलिन बोल रहा है? मिथाइल टोलिन भी लिख सकते। क्यों टोलिन लिख सकता? बेंजीन है ये। चलिए, हम रूल क्या बताए थे सबसे पहले? क्या बताए थे रूल? लोन चैन को पकड़ना। और लोन चैन किसको पकड़ेंगे? जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा हो। बताइए, इसमें कार्बन की संख्या कितना? वन। इसमें कार्बन की संख्या कितना? सिक्स। नहीं है? है। तो लोन चैन कौन हुआ? मेन चैन कौन हुआ? ये वाला भाग आपका क्या हुआ? मेन चैन। मेन चैन है कि नहीं? ये आपका साइड चेन। नहीं समझ में आया? आया। तो बताइए नंबरिंग कीजिए। 1 2 3 4 5 6। जो साइड चेन होता है उस प्रीफिक्स में आता है। यस सर। तो कितना नंबर पे है? वन नंबर। ये थ्री को क्या कहते हैं? मिथाइल। फिर ये साइकिल फॉर्म पे है। yes, sir. कितना कार्बन? Six. Hex. किस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है? वन मिथाइल साइक्लो हेक्सेन। बात पकड़ में आ रहा है ना? यस सर। क्लियर? यस सर। बताइए, जल्दी नाम बताइए इसका। वन थ्री डाइमिथाइल साइक्लो पेंटेन। देखिए, बात पकड़ में आया? यस सर। लंबी कार्बन कौन है इसमें? ज्यादा कार्बन कौन है? ये वाला है कि नहीं? तो ये आपका क्या कहलाएगा? मेन चेन। ये वाला और ये वाला क्या कहलाएगा? साइड चेन। तो नंबरिंग तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। यस सर। एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि आप 1 2 3 4 ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि साइड चेन होता है उसको हमको कम से कम नंबर देना होता है। yes, sir. अगर हम इधर से घुमाते हैं तो चार पोजीशन, इधर से आते हैं तो तीसरा पोजीशन। ठीक। yes, तो नंबरिंग 1
टू थ्री, तो बताइए ना, वन थ्री डाई मिथाइल साइकिल फॉर्म पे है, साइक्लो पेंटेन, ये देखिए इसका नाम, बात पकड़ में आया? यस सर। क्लियर? यस सर। थोड़ी थोड़ी टफ होते जाएगी, हल्का में नहीं लेना है, ठीक? यस सर। मिटा रहे इसको। जल्दी नामकरण कीजिए। क्या नाम बना? सबका गलत है, ठीक? बातें ध्यान से समझिएगा, इथाइल है ये, मिथाइल है। अल्फाबेटिकली ऑर्डर पे चलिए तो ये दोनों, ये तो बात पहचान में आया ना कि कौन आपका मेन चैन है और कौन साइड चैन है। यस सर। ये बातें समझ में आया आप लोगों को? यस सर। ये आपका मेन चैन हो गया क्योंकि यहाँ पे कार्बन की संख्या ज्यादा है। उसके बाद में किसका कार्बन और है तो उसको प्रायोरिटी दीजिएगा ना। उसके बाद हम क्या बोलना चाहे आप पकड़ पाए, सबसे ज्यादा कार्बन आपका यहां है, पांच कार्बन, फिर इसके बाद में इसके पास, फिर सबसे कम इसके पास। बात पकड़ रही है? अंजादी किसी से नहीं बनने वाला काम। ये तो आपका मेन चैन हुआ। यस सर। अब ये इसके बाद में प्रायोरिटी आप किसको दिए? C2H5 को। तो नंबरिंग इधर से कीजिएगा किधर से कीजिएगा? जिधर आप वैल्यू दिए हैं ज्यादा उधर से कीजिएगा। क्यों वैल्यू दिए? क्योंकि उसके पास में ज्यादा कार्बन है। दूसरी कंडीशन समझिएगा कि ये ई सी स्टार्ट हो रहा है, वो एम सी स्टार्ट हो रहा है, तो जो पहले अल्फाबेटिक ऑर्डर में आएगा उसको हम पहले प्रायोरिटी देंगे, ठीक? तो ये वन टू थ्री, अब बताइए नाम, वन इथाइल, थ्री मिथाइल साइक्लो पेंटेन। समझ में आया? यस सर। क्लियर? यस सर। जल्दी से बताइए इसका नाम, और एक लिख देते हैं, एक साथ बनाइए। चलिए इस केस में क्या होगा, रूल आपको याद तो है? यस सर। इसका नाम क्या बना? साइक्लोहेक्सेनॉल। हाँ, साइक्लोहेक्सेनॉल। ये OH है, मतलब OL, ठीक? आप और थोड़ी सी बातें समझिए कि जब कोई साइकिल कंपाउंड में C युक्त फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसके लिए स्पेशल सफिक्स का यूज होता है। याद आया कुछ बात? यस सर। तो ये साइकिल कौन में है? यस सर। C युक्त फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका नाम यहां पे क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। किसका प्रयोग किए? स्पेशल सफिक्स का प्रयोग किए। बात पकड़ में आ रहा है? यस सर। क्या ये स्पेशल सफिक्स में आएगा? तो नाम इसका क्या बनेगा? श्री एमिन। नाम बोलिए इसका, साइक्लो। पहले तो इसका नाम, ये हमारा स्पेशल सफिक्स में ही आएगा, इसका नाम क्या था? साइक्लो, छह कार्बन के लिए, हेक्सागन बोर्ड के लिए, एएनई ई हटेगा, ओ एल जुड़ेगा, इसके लिए साइक्लो हेक्स ए एन ई है कि नहीं, और इसके लिए कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या यहां से ई हटने वाला है? क्यों? क्योंकि ये अब आपका वोयल स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो साइक्लोहेक्सेन कार्बो
ऑक्सलेट एसिड बनेगा इसका नाम। बात पकड़ में आया? यस सर। इसका क्या नाम बनेगा जल्दी? साइक्लो पेंटेन। हाँ, ई हटेगा, एमिन लग जाएगा, ये इसका नाम। ई क्यों हट रहा है आपको पता है? यस सर। क्लियर? यस सर। चलिए नाम बताइए। साइक्लो हेक्स थ्री इनोल। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड से ज्यादा प्रायोरिटी किसको दिया गया है? ओ एच को दिया हुआ है। आप प्रायोरिटी टेबल पलट के देख सकते हैं। डबल बॉन्ड से ज्यादा प्राथमिकता किसको दिया गया है? ओ एच को दिया गया है। तो जब ओ एच को ज्यादा प्राथमिकता दिया गया है तो नंबरिंग किधर से स्टार्ट होगा? ओ एच की ओर से। मतलब ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6। ठीक? यस सर। तब साइक्लो कितनी नंबर कार्बन? 6। हेक्स लिखेंगे, तीसरा नंबर पे आपका डबल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे? 3 ENE। ओ एच के लिए ई हटेगा और ओ एल। देखिए साइक्लो हेक्स थ्री इनोल इसका नाम। बात पकड़ में आ रहा है? यस सर। क्लियर? यस सर। बताइए इसका नाम। आप पढ़ के रखे हैं ना, तब भी क्यों गड़बड़ हो रहे हैं? आप जनरल टर्म पे पढ़े थे, ये कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक, समझिएगा। इधर ये आपका डबल बॉन्ड दिखाई देता है और ये सब अल्काइल ग्रुप है। क्या ग्रुप है? अल्काइल। अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट किसे करते हैं? आर से। ठीक, प्रायोरिटी टेबल में अल्काइल ग्रुप से ज्यादा वैल्यूएशन आपका डबल बॉन्ड को दिया गया है। ठीक, किसको दिया गया है? डबल बॉन्ड को। किसको दिया गया है? डबल बॉन्ड को ज्यादा वैल्यूएशन। तो जिसको ज्यादा वैल्यूएशन मिलता है उधर से हम लोग क्या करते हैं? नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। तो नंबरिंग स्टार्ट कीजिए। चलिए काउंट कीजिए पहले 1 2 3 4 5 एंड 6। अब ये साइड चेन बना आपका। साइड चेन बनता है तो किस में आता है? सब्स्टिट्यूट यानी कि प्रेफिक्स में। कितना पोजीशन पे है? क्या है? मिथाइल। साइक्लो फिर हेक्स। पहला नंबर पे आपका। अब चाहे तो 1 लिख सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। 1 के लिए कहानी खत्म हुआ। यहां डाउट है किसी को? देखिए यहां पे एक और कॉम्प्लिकेटेड। चलिए हमने रूल क्या बताया था? जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा हो वो क्या होना चाहिए? मेन चैन होना चाहिए, और जिसमें कम है वो साइड चैन होना चाहिए। तो उस फॉर्मूला के आधार पे आपका ये मेन चैन होना चाहिए और ये आपका साइड चैन होना चाहिए। ये बातें आप सीख रहे हैं, हम लिख भी देते हैं। चलिए इसको हम इस तरह से लिखते हैं, ये आपका स्मॉल चैन है कि नहीं? छोटा चैन है। और ये वाला आपका क्या है? लॉन्ग चैन है। आपको दिखाई भी दे रहा होगा। तब भी अब जब नामकरण करेंगे तो डबल बॉन्ड होने की वजह से आपको छोटी कार्बन के साथ ही जाना होगा। समझ पा गए? अगर डबल बॉन्ड उपस्थित हो तो आप उसको मेन मानेंगे। इसको क्या मानेंगे? आप मेन मानेंगे।
और इसको आप क्या मानेंगे, साइड मानेंगे। किस केस की बात करें, जब आपका डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ हो। बात पकड़ में आया? और वही जगह अगर सिंगल बॉन्ड रहता तो आपका जो लंबा है वही आपका मेन रहता, जो छोटा है वो साइड रहता। बात पकड़ रही है? बहुत रूल है केमिस्ट्री में, थोड़ी थोड़ी सी। तो ये आपका साइड हुआ और ये क्या बन गया, मेन बन गया। तो साइड बना मतलब ये प्रीफिक्स में आएगा। प्रीफिक्स में आएगा उसका क्या मतलब हुआ, नंबरिंग करेंगे हम लोग। कीजिए नंबरिंग, ये आपका वन, ये टू। वन पोजीशन पे क्या है आपका, साइक्लो पांच है ना, पेंटेन या पेंटाइल, हाँ एक हाइड्रोजन यहाँ पे फटा हुआ है ना, तो पेंटाइल होगा। फिर दो कार्बन के लिए एक क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड के लिए वन साइक्लो पेंटाइल इथीन इसका नाम। एक वर्ड लिखिएगा, हम यहां पे बोलना चाहेंगे, अब हिंदी में लिखना चाहेंगे, इंग्लिश में लिखना चाहेंगे, हिंदी में लिखो ज्यादा समझ पाएगा। जिनके पास डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या कोई फंक्शनल ग्रुप हो, कोई फंक्शनल ग्रुप हो, मेन चैन माना जाता है, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो। बात पकड़ी? डाउट है कि किसी के पास में क्या हो, अगर डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो या कोई फंक्शनल ग्रुप हो, उसी को हम लोग क्या मानेंगे, मेन चैन मानेंगे, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। बात पकड़ में आया? यस सर। तो वही कहानी यहां पे आपको दिखाई दिया कि ये छोटा तो है इसका अपेक्षा में, लेकिन इसके पास में क्या है, डबल बॉन्ड है, इसलिए हम इसको क्या मानेंगे, मेन, जब इसको साइड, और जिसको साइड मानते हैं वो प्रीफिक्स में आता है, और जिसको मेन मानते हैं वो आपका टोटल इधर सफिक्स हो चला आता है वर्ड रूट के साथ। क्लियर? यस सर। डाउट है? नो सर। चलिए आगे, CH3 सिंगल बोन, OH सिंगल बोन, बताइए जल्दी कार्बन की संख्या को गिनिए, 1 2 3 4, इधर कार्बन की संख्या 5, तो यहां पे लंबी कार्बन कहां पे है, नीचे वाला पे, लेकिन आप मेन चैन अभी किसको मानेंगे, क्यों, क्योंकि वहां पे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और यही बातें हम ऊपर में लिख चुके हैं। बात पकड़ रही है? तो ये आपका क्या कहलाएगा, मेन चैन, ठीक, और ये वाला आपका साइड। ये बात पकड़ में आया होगा? अब बताइए इसका नाम, नामकरण किधर से, मतलब मेमोरी किधर से, जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो। यस सर। तो ये 1 2 3 4 तीसरा पोजीशन पे आइए, क्या है, साइक्लो, कितना कार्बन, 6, एक यहां पे छूटा हुआ वाईएल, 3 साइक्लो हेक्साइल। ऊपर में आइए, कितना कार्बन, 4, कैसे बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के लिए एन ई हटेगा, 2 ओ एल, देखिए इसका नाम,
चलिए बात पकड़ में आए। इस तरह का अगर कंपाउंड आपको दिखाई दे तब आप केवल बीच वाला को क्या मानेंगे, मेन चैन मानेंगे, ये आपका मेन चैन है कि नहीं। एक को फर्स्ट और एक को लास्ट, तो बताइए ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 क्या हुआ, 1 7 डाई साइक्लो प्रोपाइल, ये प्रोपाइल ही तो है। कितना नंबर तक गया है, 7। 7 को क्या कहते हैं, है कैसा बोन से जुड़ा हुआ है, सिंगल बोन के लिए ए एनी 1 7 डाई साइक्लो प्रोपाइल हेप्टेन। ठीक, और थोड़ी सी जानकारी, बताइए ध्यान समझिएगा, जब दोनों साइड में जुड़ा हुआ रहेगा ना, तो ये जो मेन आपका ये रहेगा ना सिंगल बीच में, यही आपका मेन होगा। अब इसका नंबरिंग करेंगे तो क्या आएगा, ये केवल 1 में, ये भी 1 से जुड़ा हुआ है और ये भी 1 से जुड़ा हुआ है, दोनों 1 से जुड़ा हुआ है तो 1 1 नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। सीधे क्या लिख सकते हैं इसको, डाई साइक्लो प्रो पाई, एक कार्बन के लिए मिथ और कुछ नहीं तो हम बताए थे। एक चीज याद रखिएगा, अभी हम ज्यादा डिप में नहीं जाना चाहते, जब 6 कार्बन साइकिल फॉर्म पे अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड से जुड़ी हुई हो तो उससे बनने वाला कंपाउंड को बेंजीन कहते हैं। ठीक, चलिए ध्यान से समझिएगा, 6 कार्बन है यहां साइकिल फॉर्म पे जुड़ा हुआ है, लेकिन किस तरह से जुड़ा हुआ होगा, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बेंजीन कहा जाता है, जिसको हम लिखना चाहते हैं C6H6 लिखते हैं। ठीक, बताइए ध्यान से समझिएगा बात। ठीक, ये भाग आपको दिखाई देता है, ये क्या है आपका साइक्लो, नंबर देंगे तो सीधे 1 होगा, इसलिए कोई 1 का हमारा यहां पे प्रायोरिटी नहीं होता। ठीक, साइक्लो पेंटाइल, जहां पर भी चुंगी दिखाई देता है उसमें YL लगेगा, समझ पाई, चुंगी का मतलब समझ पाते हैं, थोड़ी सी हम बात करना चाहेंगे। CH4 है, क्या नाम है इसका, मिथेन, क्या नाम है, मिथेन, लेकिन इसमें चुंगी दिखाई दे, चुंगी का मतलब समझ पाता है, चुंगी है कि नहीं। अगर आप इसको लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, जिसमें भी क्या दिखाई दे, चुंदी दिखाई दे, हम लोग रखते हैं यहाँ पे चुंदी, यही तो है, उसका लास्ट में क्या लग जाता है, वायर, तो क्या बन गया ये, मिठाई, क्या बना, मिठाई, उसी तरह से इसका चुंदी दिखाई दिया तो पेंटेन से क्या बन गया, पेंटाई, चुंदी दिखाई दिया मतलब क्या लगेगा, वायर, इसका चुंदी दिखाई दिया, अगर इसका चुंदी नहीं दिखता तो ये क्या था, साइक्लो पेंटेन, चुंदी दिखाई दिया मतलब साइक्लो पेंटाइल, तो चुंदी दिखाई दिया,
क्या लिखेंगे? साइक्लोपेंटाइन। इसका क्या नाम था? इसी को कहते हैं सुंदरी केमिस्ट्री। जल्दी पहले तो आपको पता करना होगा कि यहां पे सीएल लगा हुआ है, ऊपर में साइक्लो लगा हुआ है, तो ये दोनों में प्रायोरिटी किसको दिया गया है बताइए? किसको ज्यादा वैल्यूएशन दिया गया है? साइक्लो को ज्यादा प्रायोरिटी दिया गया है। किससे? एक्स का मतलब समझ में आता है? हेलोजन से। तो जिसको ज्यादा वैल्यू दिया गया है उधर से क्या करेंगे? और उस टाइप उस तरह से नंबरिंग करेंगे जहां पे हमको दूसरा को भी कम से कम नंबर मिले। समझ पा रही है बात को? यस सर। अगर हम नंबरिंग करते हैं ऐसा 1 2 3 4 5 पांचवा पोजीशन मिलता है, इधर से करेंगे तो तीसरा। तो बताइए नंबर किधर से करेंगे? इधर से 1 2 3 4 5 और ये क्या हो गया? 6। चलिए नाम बताइए। अब इस केस पे नाम क्या होगा? 3-chloro। क्या नाम होगा? 3-chloro। फिर 1-cyclo हेक्साइड। चुंदी निकला है? हाँ निकला हुआ है चुंदी। तो हेक्सेन से हेक्साइड। फिर इसका क्या नाम है? क्या नाम है इसका? बेंजीन। तो क्या लिखेंगे? बेंजीन। बहुत सारा प्रायोरिटी है फिजिक्स मतलब केमिस्ट्री में, अब ध्यान देंगे ये चीज। हमने यहाँ पे बेसिकली दो प्रायोरिटी सीखा, एक आर और डबल बॉन्ड के बीच। किसको ज्यादा वैल्यूएशन? डबल बॉन्ड को, है कि नहीं? एक साइक्लो और एक हैलोजन, किसको ज्यादा वैल्यूएशन? साइक्लो को। बात पकड़ में आ रहा है? यस सर। हम आगे पढ़ेंगे बाई साइक्लिक कंपाउंड। क्या पढ़ेंगे? बाई साइक्लिक कंपाउंड। बाई साइक्लिक कंपाउंड मेरी बातें ध्यान से सुनिएगा। वो कंपाउंड जिसमें कम से कम दो कार्बन, कितना कार्बन? दो कार्बन ब्रिज हेड कार्बन से जुड़ी हुई हो। नया वर्ड आया, इसको कहते हैं ब्रिज हेड कार्बन। सुना था ना? ब्रिज हेड कार्बन, समझिएगा पॉइंट। ठीक, चलते हैं बाइसाइक्लिक कंपाउंड की ओर। अभी तक ये क्या है? साइक्लो हेक्सेन। ये कंपाउंड नहीं है, है ये कार्बन का। ध्यान से देखिए, ये कार्बन दिखाई देता और ये कार्बन दिखाई दिया आपको। ये कार्बन कैसा कार्बन है आपका? BHC कार्बन है। ऐसा कार्बन है BHC कार्बन, BHC पूरा नाम, ब्रिज हेड कार्बन। आप पूरा नाम लिख लेंगे, हम भी लिख दें क्या? ये कार्बन कैसा कार्बन है? ब्रिज हेड
कार्बन। शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? BHC कहा जाता है। ठीक। अब इसका नामकरण का तरीका समझिएगा कि दो ब्रिज हेड कार्बन के बीच में जिसके पास ज्यादा कार्बन होगा उसको हम फर्स्ट में लिखेंगे, फिर उसके बाद में कम वाला को लिखेंगे, फिर उसके बाद और कम वाला को लिखेंगे। बात नहीं समझ में आया होगी, एक बार फिर से। दो BHC कार्बन के बीच में जिसके पास ज्यादा कार्बन होगा उसको हम फर्स्ट में लिखेंगे, फिर उसको उसके बाद में, फिर सबसे कम वाला को उसके बाद में लिखेंगे। नहीं पकड़ पाए? आया। एग्जाम्पल में ज्यादा समझ में आएगा। ठीक, ध्यान से समझिएगा। इधर दो ब्रिज हेड कार्बन है हमारे पास, तो दो ब्रिज हेड कार्बन के पास में कार्बन की संख्या को गिनिए। 1, 2, 3। यहां पे कितना कार्बन? 3 कार्बन है। ये दो ब्रिज हेड कार्बन कितना संख्या कार्बन की? 2 कार्बन। बात पकड़ी? यस सर। ये भी ब्रिज हेड कार्बन, इसके बीच में कितना कार्बन? 2 कार्बन। बात समझ में आया? यस सर। रूल हमने क्या बताया था? सबसे पहले किसको लिखते हैं? सबसे ज्यादा वाला को। सबसे ज्यादा कौन? 3 फिर 2 फिर 2 2 ही। ये 2-3 कहां से आया, समझ पाई? यस सर। उधर ये 3 क्यों लिखे? क्योंकि यहां पे 3 कार्बन है, यहां पे 2 कार्बन, यहां भी क्या है? 2 कार्बन। इतना सा बात समझ में आया? यस सर। फिर इसका आगे हम क्या लिखने वाले हैं? बाई साइक्लो। क्या लिखने वाले हैं? बाई साइक्लो। ठीक। यस सर। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना? टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 9 हमको दिखाई देता है। कितना? 9 नहीं है? 9 के लिए क्या लिखते हैं? कैसी बॉन्ड से सब जुड़ी हुई है? सिंगल बॉन्ड के लिए क्या प्रयोग करते हैं? नाम पढ़िए इसका। बाई साइक्लो 3-2-2 नॉन एंड। ये होती है केमिस्ट्री। डाउट है सुंदरी? तुम्हारा ही नाम मेरे पास जुबान में ज्यादा आता है। क्लियर? यस सर। जल्दी नाम बताइए। यहां पे बताइए BHC कार्बन कौन है? ये वाला ये BHC है, और ये वाला भी क्या है? BHC। ठीक। डाउट है? ध्यान दीजिएगा। इधर कार्बन की संख्या 1, 2, 3, 4, 5 5 कार्बन है। ये दोनों के बीच में कितना कार्बन? 0 कार्बन। तुम राक्ष में 2 दिखाई देता है, नहीं है? मतलब 0 तो है। यहां पे कितना कार्बन? 2 कार्बन। नहीं पकड़ पाई बात को? आया। सबसे पहले किसको लिखते हैं? ज्यादा वाला। कितना है ज्यादा? 5 फिर इसके बाद में 2 उसके बाद में 0 इसका नाम क्या आगे क्या लिखेंगे? बाई साइक्लो। बाई साइक्लो साइक्लो।
टोटल नंबर ऑफ कार्बन जल्दी नाइन। नाइन को क्या लिखते हैं? नॉन। कैसी बॉन्ड से जुड़ा हुआ है? सिंगल बाई साइक्लो 520 नॉन एन। कंफ्यूज? नो सर। कहते हैं यस सर। एक आध एग्जांपल में ये समझ में आया? यस सर। कौन है बीएचसी कार्बन? जल्दी बताइए बीएचसी कार्बन। ये वाला क्या है? और ये वाला? अब बताइए इधर सिक्स। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स है कि नहीं? यहां टू, यहां वन, यहां टू। अब लिख पाएगी? क्या लिखेंगे? सिक्स। फिर बताइए टू, फिर टू, फिर वन। इसका आगे बाय साइक्लो टोटल नंबर ऑफ कार्बन जल्दी 13 को क्या कहते हैं? ट्राई डेक। कैसी बॉन्ड से जुड़ा हुआ है? सिंगल बॉन्ड के लिए। डाउट तो नहीं है? अब ये कहानी आप सीखें तो और एक चीज सीख लीजिए कि आपको बोला जाए कि आप नंबरिंग किधर से करेंगे, ठीक? तो नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर हमारा ज्यादा कार्बन हो। स्टार्टिंग हमारा कहां से होगा? बीएचसी से। और बीएचसी से शुरू होते हुए किधर जाएंगे? जिधर कार्बन की संख्या ज्यादा हो। बात पकड़ में आया? यस सर। नहीं आया? चलिए करते हैं नंबरिंग, दिखा भी देते हैं आपको। इसका नंबरिंग करना चाहे तो नंबर हम इसको वन, फिर इधर, फिर इधर, यही बता रहे थे? नो सर। तो काय बोल रहा है? टू थ्री बोल के हम तो पूछे थे, मेरा काम है पूछना। हम तो बता कर पूछे थे, तब भी ऐसे ऐसे करता है। लंबी चैन, ये वन, फिर टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन। नहीं आया समझ में? इसमें नंबरिंग कीजिए, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन। किधर? जीरो को भी नंबर करें। इसमें आसानी से आप समझेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये तो आपका टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ये क्या हो गया? एट। अब इधर भी टू है, इधर भी टू है, अब जिधर मर्जी जा सकते हैं, ठीक? नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व, ये रोल भी सीख गए होंगे। डाउट है? सुन रही भी थोड़ा सा ज्यादा डाउट रहता है तुमको डाउट? इसको 13 नंबर क्यों लगाए? हाँ, क्यों लगाए उसको 13 नंबर? इधर से, इधर से नहीं काउंट कर सकते थे?
जिधर आपका ज्यादा कार्बन है उधर से हम लोग रास्ता बनाते हैं, उधर से हम लोग का पाथ बनता है। ठीक डाउट है इधर एट के बाद इधर कर लो, हम तो बोले भी थे कि दोनों इक्वल है, आप इधर भी घुस जाइए है कि नहीं। यस सर। लॉन्ग नंबर किधर से करते हैं, लॉन्ग पाथ साइड से, लंबी रास्ता की ओर से। लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए अपनी भाषा में। बाइसाइक्लिक कंपाउंड में नंबरिंग नंबर किधर से करते हैं, लंबी रास्ता की ओर से। ठीक चलिए, एक और नया नाम जिसका नाम है हमारा स्पाइरल। क्या नाम है? स्पाइरल। हो गया? Yes, sir. समझिएगा पॉइंट। बना नहीं बन रहा है ये फिगर? बन रहा है सर। बन गया? यस सर। चलो ये पॉइंट को जहां पे क्रॉस हुआ है उस पॉइंट को नहीं देखना है। ठीक yes. किस पॉइंट को नहीं देखना है? जहां पे क्रॉस हुआ है उस पॉइंट को नहीं देखना। इसका आगे कितनी कार्बन? तीन। और पीछे? चार। ये बात समझ में आया? यस सर। कितना कितना कार्बन? थ्री फोर। इसका आगे क्या लिखेंगे? स्पायरो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन? सेवन। एट। यहां कार्बन नहीं है तो कैसे सेवन कह दिए? कितना टोटल नंबर ऑफ कार्बन? एट। एट को क्या कहते हैं? सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। नाम पढ़िए स्पायरो। थ्री फोर ऑक्टेन। ठीक? यस सर। डाउट? नो सर। जल्दी नाम बताइए। इधर से कार्बन की संख्या फोर, इधर से इधर कार्बन की संख्या फाइव। क्या लिखेंगे हम लोग? फोर फाइव। टोटल नंबर ऑफ कार्बन टेन। टेन को डेक सिंगल बॉन्ड के लिए एनी। इसका भी क्या जोड़ने वाले? स्पायरो। हार्ड लगा? नो सर। हो दीजिए। यस सर। सिर्फ जानना है कि नहीं। जल्दी बताइए। इधर कार्बन फोर, इधर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। कितना? सही है ना? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। कितने? कैसे लिखेंगे? फोर एट। टोटल नंबर ऑफ कार्बन थर्टीन नहीं है? ट्राइड एकेंड। आगे नाम क्या जोड़ेंगे? स्पायरो।
ये बात समझ में आया? यस सर। तो आज हम क्या क्या देखें? एलिसाइक्लिक, बाईसाइक्लिक और स्पाइरल। डाउट है कहीं पे? नो सर। तो केमिस्ट्री को क्या करें आज, यहीं पे समाप्त कर दें? चलिए केमिस्ट्री को क्या करते हैं आज के लिए हम लोग यहीं पे चलते हैं। कल फिर से हम लोग चलेंगे होमोलोगस सीरीज की ओर, ठीक।